क्या आपके दिमाग में कभी ये आया है कि प्राणायाम से क्या हम पतले हो सकते हैं? अगर हमने व्रत या उपवास रख रखा है और अगर हम प्राणायाम कर रहे हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमें भूख कम लगे? मेरे दिमाग में भी बहुत बार आया और इसका आंसर मुझे फाइनली अब मिला है इस बुक से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये बात करेंगे कि प्राणायाम से हमारी फिटनेस पे कैसे फ़र्क पड़ता है। आसनास पे तो हमें पता है, हम बहुत अच्छे स्ट्रेचिंग करते हैं, अपने बॉडी को पूरा खींचते हैं और उससे हम थोड़े से पतले भी हो जाते हैं। लेकिन प्राणायाम से अभी तक कहीं पे भी सुना नहीं था कि पतले भी होते हैं। लेकिन ये जो बुक है जो कि जिन्होंने लिखी है वो एक राइटर भी हैं, मतलब कि साइंटिस्ट भी हैं प्लस योगी भी हैं। राइटर, साइंटिस्ट प्लस योगी, तो एक तरीके से योगी होने के नाते इन्होंने प्राणायाम बहुत करा, अपने स्टूडेंट्स को बहुत कराया, और साइंटिस्ट होने के नाते उन्होंने उस पर रिसर्च करी। तो इसमें एक चीज़ ये बताई गई है कि चार लोगों पे इन्होंने टेस्ट करा प्राणायाम के बाद में, उनका स्लाइवा चेक करा। स्लाइवा, अगर आप देखें कि कभी भी हमारे सामने बहुत अच्छा सा फूड आता है तो हमारे जीभ में एक लार बनने लग जाती है, मतलब कि हमारी बॉडी वो फूड प्लेट में आते ही काम करना शुरू कर देती है। अब वो जो लार है, वो जो स्लाइवा है, वो उस फूड के साथ में अंदर जाता है। इधर हमारी टंग से स्लाइवा उसमें मिला, फिर यहाँ से थायराइड वाली जो ग्रंथि है उससे कुछ मतलब कि हार्मोन्स जाएंगे। बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट और जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग हार्मोन्स उस फूड के साथ मिलाएंगे और फाइनली वो फूड जो है वो डाइजेस्ट होगा। तो फूड सिर्फ सामने आने से ही लार बननी शुरू हो जाती है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि अगर कोई आपका टेस्टी फूड है, आपका फेवरेट फूड है, तो लार ज़्यादा बनती है। और अगर कोई फूड ऐसा है जैसे कि घिया, टिंडा वगैरह की सब्ज़ी, जिसको देख के कि आपके मुँह में लार कम बनती है। तो यहाँ पर वो जो स्लाइवा है वो हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। और वो स्लाइवा के भी कई टाइप हैं, कोई हेल्दी स्लाइवा है, कोई नॉर्मल है, और कोई बिल्कुल ही मतलब कि अनहेल्दी स्लाइवा है। तो इन्होंने चार लोगों पे टेस्ट करा। नंबर वन, वो लोग जो कि नॉर्मल थे, आपके हमारे जैसे नॉर्मल लोग। नंबर टू जो उन्होंने टेस्ट करा वो उन लोगों पे जो कि 5 मिनट प्राणायाम करके उन्होंने अपना स्लाइवा दिया सैंपल के लिए। नंबर थ्री, वो लोग जिन्होंने ओम चैंटिंग करके, 5 मिनट की ओम चैंटिंग करके फिर अपना स्लाइवा दिया। नंबर फोर, ऐसे लोग जिनको क्राइम के सीन्स दिखाए गए, लड़ाई के, वॉर के, क्राइम्स की वीडियोस या उनकी फ़ोटोग्राफ्स दिखाई गई और फिर उनके जीभ से स्लाइवा लिया गया। इन चारों स्लाइवास में केमिकल्स मिला के जो भी इनका प्रोसेस रहता है, वो टेस्टिंग जब करी तो पता चला कि नंबर टू जिन्होंने प्राणायाम करके स्लाइवा दिया था वो, और नंबर थ्री जिन्होंने ओम चैंटिंग करके अपना स्लाइवा दिया था, उनका स्लाइवा सबसे ज़्यादा हेल्दी था। अब देखिए, स्लाइवा कैसे हमारे जो फूड है उस पर काम करेगा। अगर एक हेल्दी स्लाइवा या हमारे बॉडी के ऑर्गन्स अगर हेल्दी हार्मोन्स छोड़ते हैं तो हमारा फूड जो हमने खाया है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा, और जल्दी डाइजेस्ट होगा इस वजह से हमें न कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, न कभी कोई और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। नॉर्मली क्या होता है कि यही सब चीज़ें धीरे धीरे हमारे शरीर में जगह बनाने लग जाती है और हमारा बॉडी वेट बढ़ने लग जाता है, हम लेज़ी होने लग जाते हैं, एक्सरसाइज, फिटनेस, जिम वगैरह ये सब तो करने का मन ही नहीं करता है। तो एक तरीके से जो हेल्दी स्लाइवा है वो हमारी बॉडी को फिट रखता है। अब यहाँ पे हेल्दी स्लाइवा की तो बात होगी, अब हेल्दी स्लाइवा बनेगा कैसे? अगर आप डेली प्राणायाम कर रहे हैं, जी हाँ, प्राणायाम डेली कर रहे हैं, ओम चैंटिंग डेली कर रहे हैं, तो आपका जो स्लाइवा है वो हेल्दी बनना शुरू हो जाएगा, प्लस ज़्यादा निकलने लग जाएगा, मतलब कि उसकी क्वांटिटी है वो ज़्यादा आने लग जाएगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्राणायाम से भी क्या मैं अपनी फिटनेस को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप प्राणायाम को डेली सुबह शाम कीजिए, और आपका जो जो मेन बोलते हैं कि किचन है, इसको डाइजेस्ट करने में, जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। इस तरीके से आप अपने आप को फिट और हेल्दी भी रख पाएंगे। ये जो बुक है ये मैं आप यहाँ पे साइड में दिखा रही हूँ ताकि आप अगर बाय करना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। फ़िलहाल इस बुक से मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर आप प्राणायाम के बारे में कुछ और पढ़ना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट है, तो आप भी ये बुक ख़रीद के पढ़ सकते हैं। नीचे में हो सके तो अमेज़ॉन से इसका जो बाय करने वाला लिंक है वो भी डाल दूँगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय।